हाँ हेलो दोस्तों, कॉन्फाइडर इंडस्ट्री से हार्दिक बात कर रहा हूँ। ये हम देख रहे हैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक किससे बोलता है पहले समझ लेते हैं। उस सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर ये रेगुलेटर आएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो इसके अंदर रेगुलेटर नहीं आता। दूसरी चीज़, सेमी ऑटोमेटिक आपके पास मशीन है तो उसके अंदर MCB और एम्पियर मीटर, वो दोनों चीज़ यहाँ पर होगी। आपके मशीन के अंदर MCB स्विच लगाया होगा और एम्पियर मीटर होगा। अभी देखिए ये मशीन को हम पूरा समझते हैं कि वायरिंग इसका कैसे किया गया है। तो सबसे पहले पावर प्लग है, ये जो ब्लैक कलर का केबल है हमने मेन केबल में लगा दिया। वहाँ से तीन वायर आते हैं, तो कौन से, एक हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल और एक हो गया अर्थिंग। तो अर्थिंग वायर है उसको हमने मोटर की बॉडी में डायरेक्ट दे दिया, क्लियर। फिर दूसरा हमारा जो फेज आता है, फेज को हमने लगाया MCB के अंदर, यानी जो मेन स्विच बाहर के साइड हमने देखी वो MCB स्विच में से हमने उसका बाहर एक वायर निकाल के उसको डाला हमने एम्पियर मीटर के अंदर। एम्पियर मीटर में क्यों, क्योंकि एम्पियर हम मेज़र करेंगे ना कि मोटर एम्पियर कितना ले रही है। उसके बाद हमने वहीं से एम्पियर मीटर से वायर निकाला, वो वायर गया हमारा सर्किट के अंदर। सर्किट क्या करता है कि मोटर ओवरलोड होती है तो उसको मशीन को बंद कर देती है उसके लिए, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर डबल प्रोटेक्शन है, सर्किट भी मोटर को बंद करेगा और MCB स्विच भी बंद करेगा मोटर को। तो ये हो गया हमारा फेज और न्यूट्रल, दोनों सर्किट में पहुँच गया। उसी के बाजू में दो और कनेक्शन दिए गए हैं, वो दोनों कनेक्शन हमने डायरेक्टली मोटर के अंदर दे दिए हैं। तो इस हिसाब से हमारा मोटर का वायरिंग, सर्किट का, MCB स्विच का और एम्पियर मीटर का पूरा वायरिंग हो गया। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मशीन का मेन पावर प्लग ऑन कर रहे हैं और आपको करंट नहीं जा रहा, यानी मशीन कुछ भी घूम ही नहीं रहा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फेज वायर है उसके अंदर करंट आना चाहिए। तो मेन MCB वायर है, यहाँ पर आप डिसमिस से चेक कर लो। दूसरी चीज़, सेम यहाँ पे रिटर्न दूसरी जगह पे देख लो कि यहाँ पे भी फेज आ रहा है। जब आप MCB ऑन करते हो तो यहाँ से यहाँ पावर जा रहा है, तो MCB स्विच ओके है। फिर उसको एम्पियर मीटर में डाल दो, तो एम्पियर मीटर में जो कनेक्शन किए हैं दोनों, वहाँ पे दोनों में पावर आ रहा है जब MCB स्विच ऑन करते हैं, तो आपका एम्पियर मीटर है वो भी ओके है। उसके बाद यहाँ पर सर्किट में आपने दोनों वायर डाल दिया, तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि पावर आ रहा है कि नहीं टेस्टर से। अगर पावर आ रहा है तो आपका ये पूरा एम्पियर मीटर और MCB दोनों परफेक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं हुई है। उसके बाद ये सर्किट में से जो बाहर से फेज निकल रहा है ये रेड कलर वाला, यहाँ पे चेक करो कि फेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे आपका फेज नहीं जा रहा है तो समझ लेना कि आपकी सर्किट जो मशीन की है वो खराब हो गई है, तो आपको सर्किट चेंज करनी है, ठीक है। अब आप समझ लो ये सब आपने चेंज किया फिर भी मोटर नहीं घूम रही, तो मोटर खराब है। तो मोटर को हम कैसे चेक करेंगे, ये MCB, ये और ये सभी चीज़ को बाहर निकाल देंगे हम, ये वायर निकालेंगे और इसका ये दोनों वायर निकाल देंगे और दोनों वायर को हम डायरेक्टली यहाँ मोटर के अंदर कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, हमने सर्किट को पूरी को बाईपास कर दिया, यानी मेन पावर सप्लाई को हमने डायरेक्ट मोटर में दे दिया। फिर आप मोटर घुमा के देख लो, तो जो मोटर रन हो जाती है तो आप समझ लो कि मोटर में कोई दिक्कत नहीं है, मोटर की सिस्टम ओके है। जो भी प्रॉब्लम है वो ये सर्किट में प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम है आप जान सकते हैं।